नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह UPPCS प्रारंभिक परीक्षा 2019 का प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसमें कुल 150 प्रश्न GS और करंट अफेयर्स को मिलाकर दिया गया है। तो आज हम लोग इसे व्याख्या सहित हल करेंगे। और यदि आपको इसी तरह UPPSC द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं के सरल पेपर चाहिए तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पहला प्रश्न। तो यहाँ जो है, यह पेपर जो है कोई सेट का नहीं है, इसे सब्जेक्ट वाइज कलेक्ट करके इसे तैयार किया गया है। तो आप लोग किसी सेट से इसे मिलान नहीं कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको वही सेम मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इतिहास के जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये दिया गया है दाम, जो कि ताम्र की मुद्रा। तो शेरशाह सूरी द्वारा दाम मुद्रा जो है चलाया गया था, जिसे यह एक ताम्र मुद्रा थी। तो यह आपका सही है। और बी है देसाई राजस्व अधिकारी। तो मराठा काल में देसाई या देशमुख जनपद स्तर के राजस्व संग्रह तथा सामान्य प्रशासन के प्रभारी होते थे। तो यह भी आपका सही हो जाएगा। और सी है दीवान। दीवान को प्रांतीय राजस्व का प्रमुख कहा जाता है। तो मुगल काल में दीवान को प्रांतीय राजस्व का प्रमुख कहा जाता था। तो यह भी सही है। डी आपका दिया गया है जरीब, एक प्रकार का कर। तो यह आपका गलत हो जाएगा। जरीब जो है वह मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में जरीब भूमि की माप हेतु प्रयुक्त होता था। तो इसलिए आपका डी यहाँ सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो चलिए देखते हैं। मुल्ला दाऊद का संबंध किससे हो जाएगा? तो चंदायन से हो जाएगा मुल्ला दाऊद का संबंध, यानी कि ए का पहला। और दामोदर कवि का संबंध किससे होगा? तो पद्मावती कथा से हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा। सोमनाथ का संबंध हो जाएगा राग विबोध से, तो सी का चौथा। और अमीर खुसरो का संबंध होगा आसिका से, तो इस तरह डी का आपका दूसरा। तो ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा यहाँ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए से होगा, भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। तानसेन का मूल नाम जो था वह था रामतनु पांडे था। उन्होंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर के राजा मानसिंह के संरक्षण में स्थापित ग्वालियर विद्यापीठ से प्राप्त की थी। उसके बाद वे भाटा क्षेत्र, जो कि रीवा में पड़ता है मध्य प्रदेश, के राजा रामचंद्र सिंह के संरक्षण में उनके दरबारी कवि के रूप में रहे थे। और अकबर ने उनकी ख्याति के बारे में सुनकर उन्हें अपने दरबार में बुला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ राजवंश दिया गया है, दूसरी तरफ राजधानी, तो दोनों को मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। पल्लव का संबंध जो है कांची से हो जाएगा, ए का दूसरा। और पांडे का संबंध जो हो जाएगा आपका मदुरै से, तो बी का तीसरा। और यादव का संबंध हो जाएगा आपका देवगिरी से, सी का चौथा। और काकती वंश का संबंध हो जाएगा वारंगल से। तो इस तरह आप देख सकते हैं, बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो पहला है राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद, दूसरा है शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, तीसरा है हुमायूं का मकबरा दिल्ली, चौथा है अटाला मस्जिद जौनपुर। तो कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो आप देख सकते हैं, राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में जो है, ये औरंगजेब द्वारा जो है बनवाया गया था 1678 में। और बी है शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, तो शेरशाह सूरी द्वारा यह बनवाया गया था 1540 से 45 के बीच में बनवाया गया था। और तीसरा है हुमायूं का मकबरा दिल्ली। यह 1564 में बनवाया गया था। और आपका चौथा है अटाला मस्जिद जौनपुर, तो यह 1408 ईस्वी के आसपास जो है बनवाया गया था। तो
यहाँ जो राबिया दौरानी का मकबरा बना था ये आपका 1678 में, और शेरशाह सूरी का मकबरा यह 1540 से 45 के बीच में। तो आपको क्रम से दर्शाना है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या होगा। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका अटाला मस्जिद जौनपुर 1408 में इसका निर्माण हुआ था, चौथा पहले हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आप देख सकते हैं यहाँ। उसके बाद हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी का मकबरा जो सासाराम में 1540 से 45 के बीच बना था। उसके बाद तीसरा हो जाएगा 1564 में हुमायूं का मकबरा, और उसके बाद पहला हो जाएगा राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में औरंगजेब द्वारा बनाया गया था 1678 ईस्वी में। तो इस तरह बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है, मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया, और दूसरा है मनसबदारी का पद पैतृक था। तो नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका, मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। तो यह आपका पहला सही है, दूसरा जो है मनसबदारी का पद पैतृक था यह आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक। मनसबदारों का जो पद था वह पैतृक नहीं था, इनकी नियुक्ति जो होती थी उनकी वरीयता क्रम इनकी बादशाह निर्धारित करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहों के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मार्कंडेश्वर। यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बेन गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, और विदर्भ के खजुराहो के नाम से इसे जाना जाता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ये है आपका, अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। कारण आर है, शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कथन ए और कारण आर दोनों सही है, तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। यानी कि अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया था, सही है आपका, और शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख जो है सिक्का वह दाम था। तो दोनों सही है आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों से सही उत्तर चुनिए। पहला है सरनाल का युद्ध, दूसरा है बिलग्राम का युद्ध, तीसरा है धर्मत का युद्ध, और चौथा है जजाऊ का युद्ध। तो कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो सबसे पहला जो है आपका सरनाल का युद्ध, तो यह सरनाल कहाँ है, तो यह गुजरात में है। सरनाल का युद्ध जो है हुआ था 1572 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा है बिलग्राम का युद्ध, तो यह 1540 में हुआ था बिलग्राम का युद्ध। और तीसरा जो है धर्मत का युद्ध, तो यह 1658 में हुआ था। और चौथा है आपका जजायु का युद्ध, यह 1707 में हुआ था। सरनाल का युद्ध कब हुआ था, तो यह हुआ था 1572 में। और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, तो यह 1540 में। तो आपको कालानुक्रम से जो है दर्शाना है। तो आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपका बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था, उसके बाद आपका हो जाएगा 1572 में हुआ था सरनाल का युद्ध, फिर आपका हो जाएगा 1658 में हुआ था आपका धर्मत का युद्ध, फिर लास्ट में आपका हो जाएगा जजाऊ का युद्ध 1707 में। तो 2, 1, 3, 4 यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता इकता व्यवस्था की नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। इकता प्रणाली की शुरुआत जो हुआ था वह इल्तुतमिस द्वारा किया गया था। भारत में जो है सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिस द्वारा एकता प्रणाली का प्रचलन किया गया था, और एकता व्यवस्था के तहत एकता के धारक यानी कि इकतादार या जिसे मुक्ति कहा जाता था को उस क्षेत्र से राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी।
तो सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ पुस्तकें दिया गया है दूसरी तरफ उनके लेखक, तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये है तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज जस्मानी द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। बी है तारीख है फिरोज शाही, तो यह शम्स ए सिराज अफी द्वारा लिखा गया है, तो यह भी सही है आपका। और सी है तुगलक नामा, तो यहाँ दिया गया है तुगलक नामा इब्न बतूता द्वारा लिखा गया है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। तुगलक नामा के लेखक जो थे वह अमीर खुसरो। और डी आपका हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम, तो यह भी सही है। तो आपसे पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, तो आपका जो है एक तरफ संधि दिया गया है दूसरी तरफ उनका वर्ष दिया गया है, तो आपको मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। और मंगलौर की संधि कब हुई थी, तो यह हुई थी आपका 1784 में। और सी है सालबाई की संधि कब हुई थी, तो यह 1782 में हुआ था। और मद्रास की संधि कब हुआ था, तो यह 1769 में, तो आपका यहाँ सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, वह ए का चौथा हो जाएगा इलाहाबाद की संधि 1765, और बी का दूसरा यानी मंगलौर की संधि 1784 में, और सी का आपका पहला हो जाएगा सालबाई की संधि 1782 और मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए, पहला है पूना पैक्ट, दूसरा गांधी इरविन समझौता, तीसरा है क्रिप्स मिशन, चौथा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो कोट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं, पहला जो है पूना पैक्ट यह 1932 में हुआ था, और दूसरा है गांधी इरविन समझौता, तो यह 5 मार्च 1931 को हुआ था, और तीसरा है क्रिप्स मिशन, तो यह 1942 में भारत आया था, और चौथा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो यह 1930 में प्रारंभ हुआ था। तो आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि चौथा, फिर आपका हो जाएगा गांधी इरविन समझौता 1931 यानी कि दूसरा 4-2, तो आप देख सकते हैं ए और सी दोनों में मैच कर रहा है, फिर जो है आपका हो जाएगा 1-4-2-1 यानी कि पूना पैक्ट 1932 4-2-1 यानी कि सी ऑप्शन यहाँ मैच कर रहा है, तो सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, पहला है लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, दूसरा है पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, तो नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, यानी कि पहला जो है लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था 1905 असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में, और दूसरा है पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था, तो दोनों सही है 1 और 2 बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजगोपालाचारी ने। मद्रास प्रांत के प्रभावशाली नेता सी राजगोपालाचारी ने मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए जुलाई 1944 में दोनों पक्षों के मध्य समझौते की एक योजना गांधी जी की स्वीकृति से प्रस्तुत की थी, जिसे CR फार्मूला कहा जाता है, जिन्ना ने इस फार्मूले को जो है अस्वीकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे, तो ये है आपका पार्थ सारथी गुप्त, बी है यस गोपाल, और सी ऑप्शन है बी आनंदा, और डी है बिपिन चंद्रा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिपिन चंद्रा। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडियन नेशनल लीडरशिप, यह 1880 से 1905 में प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्रा द्वारा लिखा गया था। आप देख सकते हैं द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक
नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक जो थे वह बिपिन चंद्रा थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। पहला है कि महाराजा हरि सिंह के ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, और दूसरा है भारत का संविधान लागू हुआ, तीसरा है जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया, और चौथा है जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि आपको डेट इन सब का याद होना चाहिए। तो पहला जो है आपका, देख लेते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, तो यह 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। तो दूसरा है आपका, भारत का संविधान लागू हुआ, तो यह 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है अंगीकृत किया गया था, और 1950 में यह लागू हुआ था। सॉरी, यहाँ 50 कर लीजिए आप, 1949 में अंगीकृत हुआ था, यानी कि बनकर तैयार हुआ था 1949 में, और लागू कब हुआ था, तो यह 1950 में लागू हुआ था। और तीसरा है आपका, जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया, तो यह 1957 में अनुमोदित किया गया था। और चौथा है आपका, जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ, तो यह लागू हुआ था आपका 1957 में, तो यह 26 नवंबर 1957 को लागू हुआ था। और ये आपका जो है, जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित कब किया था, तो यह आपका 11 नवंबर 1957 को, तो यानी कि ये जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान ने भारत में विलय को अनुमोदित पहले किया, उसके बाद जम्मू कश्मीर में संविधान लागू हुआ। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ से हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, यानी कि क्रम से यहाँ दिया गया है ये, यानी कि महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किया था, तो 26 अक्टूबर 1947 को, और भारत का संविधान लागू कब हुआ था, तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित कब किया, तो यह 11 नवंबर 1957 को, और जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान कब लागू हुआ, तो यह 26 नवंबर 1957 को लागू हुआ था। तो इस तरह आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्रम से दिया गया है। अगला जो प्रश्न है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत जो है अंतर्राज्यीय विवाहों को मान्यता दी गई तथा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। साथ ही जो है इसके द्वारा बहुपत्नी प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था नेटिव मैरिज एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो एक तरफ जो है आपका आंदोलन दिया गया है, दूसरी तरफ उनका वर्ष दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं, पाबना विद्रोह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1873 से लेके 85 तक, यानी कि ए का दूसरा हो जाएगा। ए का आंदोलन, तो यह 1921 या 22 दोनों रहता है आपका, चाहे 1921 से 22 में हुआ था यह, तो इस आपका बी का तीसरा हो जाएगा। और संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो यह 1855-56 में हुआ था। तो प्रश्न जो है यह पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति से पहले कौन सा विद्रोह हुआ था, तो वह संथाल विद्रोह हुआ था। और डी है आपका ताना भगत आंदोलन, तो यह आपका हुआ था 1914 में, तो डी का चौथा हो जाएगा। तो इस तरह आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ घटना दिया गया है, दूसरी तरफ उनका वर्ष, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है आपको। तो पहला जो है कि भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, तो यह सही है आपका। बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ, द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931 में, यह भी सही है आपका। और डी जो है सांप्रदायिक निर्णय 1933, तो यह आपका गलत हो जाएगा। सांप्रदायिक निर्णय यह रैमजे प्रधानमंत्री जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 16 अगस्त 1932 को
सांप्रदायिक निर्णय जिसको कम्युनल अवार्ड कहा जाता था प्रस्तुत किया गया था। तो यह 1932 होगा यहाँ, ना कि 1933। तो डी ऑप्शन ही आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए पुटों में से सही उत्तर चुनिए। पहला है साइमन आयोग की नियुक्ति, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा और चौथा है फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। तो चलिए देखते हैं, साइमन आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो पहला जो है आपका यहाँ साइमन आयोग की नियुक्ति जो है वह 1927 में हुई थी और भारत यह कब पहुँचा था? तो 1928 में यह भारत पहुँचा था। तो यहाँ नियुक्ति की बात हो रही है तो 1927 हो जाएगा। और दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। और फिर नेक्स्ट जो देखते हैं वह महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, तो यह 1930 में जो है प्रारंभ हुआ था। और चौथा है आपका फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। तो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु जो हुई थी वह 5 नवंबर 1915 को हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, सबसे पहले हो जाएगा आपका फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, फिर जो है आपका होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, फिर जो है हो जाएगा आपका साइमन आयोग की नियुक्ति 1927, उसके बाद होगा आपका महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1930। यानी कि आपका यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 4, 2, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल किला दिल्ली में। INA यानी कि आज़ाद हिंद फौज जो है, गिरफ्तार अधिकारियों पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। इस मुकदमे में मुख्य अभियुक्त INA के 3 अधिकारी थे, मेजर शहनवाज खान, कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और कर्नल प्रेम सहगल थे, जिन पर राजद्रोह का आरोप था। और इस मुकदमे में बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व भूला भाई देसाई द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ए है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कारण आर है, वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर कथन ए की सही व्याख्या है। यानी कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स का जो शासन काल था वह था 1774 से लेकर 1785 ईस्वी तक था। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी वह 1784 में हुई थी। तो यह आपका सही है, और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिया था। तो ये भी सही है आपका। और आर जो है, वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो यह भी सही है, यानी कि दोनों आपका सही है, ए और आर दोनों। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, कूट ऑप्शन में नहीं है यहाँ, गलती से उसे छूट गया है। तो चलिए देख लेते हैं उसे हम। तो कोयला क्षेत्र एक तरफ दिया गया, दूसरे तरफ उनकी अवस्थिति। तो ये है तलचर। तो तलचर जो है कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है और ये महानदी घाटी में स्थित है। तो ए का आपका चौथा हो जाएगा। और बी है कर्णपुरा। कर्णपुरा कहाँ है? तो यह झारखंड में है और यह दामोदर घाटी में स्थित है। तो बी का जो है पहला हो जाएगा। और सिंगरौली जो है यह मध्य प्रदेश में है, तो यह सोन घाटी में स्थित है। और सिंगरेनी जो है यह तेलंगाना क्षेत्र में है और यह गोदावरी घाटी में स्थित है। सिंगरौली जो है यह आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र दोनों में पड़ता है, यानी कि दोनों क्षेत्र में वह विस्तारित है। तो यहाँ आपका सोन घाटी में यह स्थित है। तो आपका जो कूट होगा वह ए का हो जाएगा आपका चौथा,
बी का हो जाएगा आपका पहला, और सी का हो जाएगा आपका तीसरा, और डी का जो है वह सॉरी सी का दूसरा हो जाएगा और डी का तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुरु मंधाता, यह भारत में अवस्थित नहीं है। यह कहाँ है? तो यह तिब्बत क्षेत्र में अवस्थित है। बाकी नामचा बारवा यह अरुणाचल प्रदेश में आपका पड़ता है, और कामेट पर्वत जो है यह आपका उत्तराखंड में पड़ता है, नंगा पर्वत भी आपका भारत के जम्मू कश्मीर में पड़ता है जो कि POK के अंतर्गत आता है, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत। तो तीनों ही जो है आपका भारत में है, और गुरुमंधाता जो है यह तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में जाड़े की वर्षा का कारण बनते हैं, और भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः वह पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो यह है लूनी नदी, ऑप्शन बी से हो जाएगा। लूनी जो है वह राजस्थान के अजमेर के निकट जो है इसकी उद्गम होती है अरावली श्रृंखला में, और यह नागा पहाड़ी से होता है, यानी कि नागा पहाड़ी से जो है इसका उद्गम होता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल डेल्टा। दो हिमालयी नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र एक गैर हिमालयी नदी मेघना के साथ मिलकर विश्व के सर्वाधिक बृहत डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या फिर बंगाल डेल्टा के नाम से जाना जाता है, और इसे दो भागों में पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी निष्क्रिय मेघना डेल्टा मैदान में विभाजित किया जाता है, और पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को पुनः तीन उपविभागों जिसको मोरीबंद डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा और ज्वार सक्रिय डेल्टा में विभक्त किया गया है। तो मोरीबंद डेल्टा को यह नाम बागची द्वारा 1944 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। तो मध्य भारत में जो है स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व जो क्रम है यह आपका सतपुड़ा, फिर जो है महादेव, फिर मैकाल और फिर छोटा नागपुर। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन को ए और दूसरे को आर कहा गया है। तो कथन कारण से है, ये कथन है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कारण आर है, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरोवरी मैदान का। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरी मैदान कहलाता है, और कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण है। तो ये ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन किसका उदाहरण है, तो यह सरोवरी मैदान का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है दामोदर नदी, ऑप्शन बी से हो जाएगा। दामोदर नदी जो है भ्रंश घाटी जिसको फॉल्ट वैली ड्रेनेज कहा जाता है के लिए प्रसिद्ध है। भ्रंश के कारण यह नदी अपने अनुप्रवाह में दाहिनी ओर तीक्ष्ण मोड़ लेकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ती है तथा इसकी चौड़ाई और जलधारण क्षमता कम होती जाती है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी है दामोदर नदी, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, मुख्य हिमालय की प्रतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। दूसरा है, लघु हिमालय की प्रतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं।
तीसरा है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिले, यानी कि दूसरा आपका सही होगा। और तीसरा जो है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालयों में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम क्या है। तो यहाँ से अब आपको भूगोल के प्रश्न देखने को मिलेंगे, विश्व का भूगोल जो है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लेक मंजला जो है उत्तर से दक्षिण की ओर पड़ने वाले झील हैं। तो सबसे उत्तर में जो है लेक मंजला है, उसके बाद लेक टिमसा, फिर ग्रेट बिटर लेक, फिर जो है लिटिल बिटर लेक। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टेलीग्राफिक पठार या उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। अगला प्रश्न है सूची वन को सूची टू के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक तरफ जो है आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिया है, दूसरी तरफ देश। तो ए है आपका विली विली। तो यह हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ए का दूसरा। और टैफू हो जाएगा आपका जापान में टाइफू, जिसको टाइफून भी कहा जाता है। और बगुइयो जो है ये आपका फिलीपींस में, बागियो भी जिसको कहा जाता है। और हरिकेन्स हो जाएगा आपका यूएसए। तो इस तरह आपका डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारी रेलमार्ग पर अवस्थित नहीं है। तो यह है सोची, ऑप्शन सी से हो जाएगा। साइबेरिया पारी, जिसको ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग कहा जाता है, इसकी लंबाई जो है 9289 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन है, जो रूस की राजधानी मॉस्को को रूस के सुदूर पूर्व के नगर व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। और इस रेल मार्ग पर अवस्थित प्रमुख नगर जो है आपका मॉस्को है, परम है, इकातेरिनबर्ग है, ओमस्क है, नोवोसिबिर्स्क है, इरकुत्स्क है, और खाब्रोवस्क है, और व्लादिवोस्तोक। कजान शहर मॉस्को से इकातेरिनबर्ग के मध्य रेल मार्ग द्वारा इससे जुड़ा है, और तथा यह मुख्य ट्रांस साइबेरियन लाइन पर नहीं बल्कि दक्षिण ट्रांस साइबेरियन रूट पर है। सोची जो है यह काला सागर के तट पर स्थित रूस का नगर है। और सोची काला सागर के तट पर जो स्थित यह रूस का नगर है, जो कि काकेशस रेल मार्ग पर अवस्थित है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा कि साइबेरियाई पारी रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है। कौन सा? तो सोची यह अवस्थित नहीं है। सोची जो है कहाँ स्थित है? तो यह काला सागर के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपका एक तरफ पवन है, दूसरी तरफ देश। कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना आपको। तो ए है आपका सांता आना, तो ये आपका हो जाएगा कैलिफोर्निया, सही है। बी है हबूब, सूडान दिया गया यहाँ, तो यह भी सही है आपका। सी है यामो, जापान, यह भी सही है। और डी दिया गया मिस्टल, ऑस्ट्रेलिया, तो यह आपका गलत हो जाएगा। मिस्टल जो है कहाँ का है? तो यह फ्रांस का है। नेक्स्ट जो है सूची वन को सूची टू के साथ मिलान करना यहाँ। तो एक तरफ जो है आपका तूफान दिया गया है और दूसरी तरफ सर्वाधिक प्रभावित देश। तो चलिए जो है देखते हैं डोरियन जो है, तो डोरियन से सर्वाधिक प्रभावित जो वह देश था वह बहामास था। और हेजीबीस से तो यह जापान था आपका। और लेकिमा से जो है चीन था। और मिटाग से जेजू, जो कि दक्षिण कोरिया में है। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची वन को जो है सूची टू के साथ मिलान करना है। एक तरफ जो है वनस्पति प्रकार दिया गया है और दूसरी तरफ क्षेत्र। तो चलिए देखते हैं माक्ची हो जाएगा आपका भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में, यानी कि ए का दूसरा। और फिम्बस आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। और चैपरेल, तो यह हो जाएगा आपका कैलिफोर्निया। और डी है मैटोरेल, यह चिली हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, सूची वन को जो है सूची टू के साथ मिलान करना है कोड के माध्यम से, बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक तरफ देश दिया गया, दूसरी तरफ राजधानी, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो ताशकंद है, तो ए का पहला हो जाएगा। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो यह है दुशांबे। बी का दूसरा हो जाएगा। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो यह बिश्केक। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो अशगाबाद है। तो आप देख सकते हैं ए का पहला, बी का दूसरा, सी का, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यह भी आपका मिलान करना है, एक तरफ प्राकृतिक वनस्पति दिया गया, दूसरी तरफ क्षेत्र। तो चलिए देखते हैं, अधिजीवी वनस्पति कहाँ किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ए का दूसरा हो जाएगा। बबूल कहाँ पाए जाते हैं, तो यह सहारा क्षेत्र में पाए जाते हैं। बैओबाब कहाँ पाए जाते हैं, तो बैओबाब जो है सवाना क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और देवदार यह भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ जनजाति है दूसरी तरफ उनका स्थान, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जो है आपका ए दिया है पिग्मी कांगो बेसिन सही है, अंगामी नागालैंड में पाए जाते हैं, अभी से एनू जापान में, किर्गिज सूडान दिया गया है, ये गलत है आपका। किर्गिज कहाँ पाए जाते हैं, तो यह मध्य एशिया में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो यह आपका उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है, तो यहाँ से आपको पर्यावरण के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इकोसिस्टम के बारे में आपसे पूछा गया है क्या सत्य है, तो सी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, बाकी सभी जो है गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पहला है यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, दूसरा यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, और फिर नीचे दिए गए पूर्व से सही उत्तर आपको चुनना है। तो आपका यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही हैं, यानी कि सुपोषण के संदर्भ में यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है और यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, दोनों सही है आपका। अगला प्रश्न, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सत्य नहीं है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जात विविधता में वृद्धि होती है, जात नहीं वहाँ जैव विविधता होना चाहिए, जैव विविधता में वृद्धि होती है, आपका गलत है, तो ये ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों के जाने पर जैव विविधता जो है घटती जाती है, तो यह आपका गलत हो जाएगा, यहाँ दिया गया कि वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है, तो यह है आपका लाइकेन्स, ऑप्शन ए से हो जाएगा। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव वह लाइकेन पर पड़ता है, क्योंकि वे वायु प्रदूषण के प्रति जो है संवेदी हैं और ये वायु प्रदूषण के जैविक सूचक के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, कौन सी गैस है, तो वह है आपका मीथेन गैस, ऑप्शन डी से हो जाएगा। और मीथेन गैस जो है वह आपका धान के खेत से मिलता है, कोयले की खदानों से, और घरेलू पशु जो जुगाली करते हैं उनसे भी मीथेन गैस उत्सर्जन होता है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वह एक संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है जिसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा क्षेत्र में वर्ष 2030 तक $1,000 बिलियन से अधिक की राशि का निवेश करना और सदस्य देशों में 1,000 गीगावाट से अधिक सौर उत्पादन क्षमता के विकास एवं तैनाती को गति प्रदान करना। इसका सचिवालय जो है गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में है, स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। पहला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, दूसरा जैव विविधता अधिनियम, तीसरा प्रोजेक्ट टाइगर, चौथा है प्रोजेक्ट हाथी। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो यह 1972 में पारित हुआ था, 1972। जैव विविधता अधिनियम
यह 2002 में पारित हुआ। और तीसरा प्रोजेक्ट टाइगर, यह 1973 यानी कि 1973 का प्रोजेक्ट हाथी जो हो जाएगा 1992। तो आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो आप देख सकते हैं आपका सबसे पहले हो जाएगा पहला, उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर जो है दूसरा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणी कुजनेट्स एक वर्ग पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उल्टा यू आकार का। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। तो कथन ए है आपका, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। आर है, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करें। तो कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी से हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों होगा, केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और मूल कर्तव्यों में दोनों में। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत जो अनुच्छेद जोड़ा गया वह 48A के अनुसार, 48A के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। साथ ही संविधान में मूल कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51A(g) के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की उसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें ताकि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव जो है रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ दिया गया है जल संरक्षण से। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो कि जलवायु परिवर्तन पर आधारित है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ आपका गलत हो जाएगा। बाकी कार्टा जो ना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। तो कथन ये है, उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। कारण आर है, तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। तो नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो आपका सही जो हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर कथन ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा, तो यह आपका हमेशा घटेगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है और ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थान परिवर्तन करता है तब उसका कुछ ह्रास यानी कि कुछ कमी होता है उसमें, अर्थात हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा वह घटती जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो यह है नीला हरा शैवाल, ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धुआं स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण हेतु। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण हेतु एक किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी द्वारा वर्ष 1987 से प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो यह है नीति आयोग, ऑप्शन सी से हो जाएगा यहाँ। भारत में सतत विकास लक्ष्यों जो कि एजेंडा 2030 के समन्वय एवं कार्यान्वयन हेतु नोडल संस्था नीति आयोग है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। योजना आयोग का नाम बदलकर जो है क्या किया गया है, तो नीति आयोग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? तो यह है SDG 6, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लब ऑफ रोम के द्वारा। अप्रैल 1968 में 10 देशों के 30 व्यक्तियों का एक समूह जिसमें वैज्ञानिक, शिक्षक, अर्थशास्त्री, मानवतावादी तथा प्रशासक आदि शामिल थे, कि रोम के जो है एकेडमिया डी लिंसी में एक बैठक हुई। इस बैठक से ही क्लब ऑफ रोम का विकास हुआ और इसी क्लब ऑफ रोम के द्वारा ही द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रतिपादन किया गया, यानी कि समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन जो है वह क्लब ऑफ रोम द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है कब तक? तो यह 2030 तक रखा गया है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का 12 दिवसीय यानी कि 14वां COP 14 सम्मेलन नई दिल्ली में 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुआ था और सदस्य देशों ने वर्ष 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता लक्ष्य निर्धारित किया था। तो ऑप्शन बी यहां सही हो जाएगा कि 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य जो है वह रखा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कि कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ, इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा जो है किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर सिलिका से बनी पतली बेलनाकार नलिकाएं होती हैं जो कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, श्याम बीबर होता है? तो यहाँ देख सकते हैं आप ऑप्शन, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्याम बीबर जो है सिमट गया तारा है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। श्याम बीबर यानी कि इसको ब्लैक होल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिज्या बढ़ जाती है। गुब्बारे को आवेशित किए जाने से यह फैलेगा और त्रिज्या जो है उसकी बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है? तो यहाँ जो सही होगा आपका ऑप्शन सी से होगा, ए और बी दोनों, यानी संचालन और संवहन एवं विकिरण दोनों से हो जाएगा। थर्मस फ्लास्क में दो परतों के बीच वैक्यूम होने के कारण जो है संचालन, संवहन एवं विकिरण की क्रिया से उष्मा की हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिप्सम। जिप्सम एक खनिज है जिसमें सूक्ष्म तत्व, गंधक एवं कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है जिसमें जल के भी जो है दो अणु उपस्थित होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4 × 2H2O होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ पदार्थ दिया गया, दूसरी तरफ उपयोग। तो ये दिया गया सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, तो पहला आपका यहाँ गलत हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग जो है फोटोग्राफी में किया जाता है, बाकी जो है सही भी आपका सही है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार के लिए और दुधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल के लिए।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका डी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है, पाश्चुरीकरण चाय। पाश्चुरीकरण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे दूध का निर्जमीकरण यानी कि रोगजनक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करना करके जो है उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है, और इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने की थी। तो पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया की खोज आपसे पूछा जाए किसने किया था, तो लुई पाश्चर ने किया था। तो डी ऑप्शन यहाँ आपका गलत हो जाएगा, पाश्चुरीकरण जो है वह दूध हो जाएगा यहाँ, और बाकी सही है। लवणीकरण जो है समुद्री जल, प्रतिलोम परासरण पेयजल, विकृतीकरण प्रोटीन, ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम क्लोरेट। शाकनाशी ऐसे रसायन होते हैं जिनका प्रयोग कृषि क्षेत्र में अवांछित खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, और इनका प्रमुख उदाहरण जैसे है सोडियम क्लोरेट, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaClO3। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट के माध्यम से बताना कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, केवलार का संबंध हो जाएगा आपका संश्लेषित रेशा से यानी कि ए का दूसरा, टेक्सटाइल का संबंध हो जाएगा कैंसर रोधी दवा से, बी का तीसरा हो जाएगा, जिंक फास्फाइड का संबंध हो जाएगा रोडेंट नासी से हो जाएगा यानी कि सी का चौथा, और नाइट्रोसेलुलोज का संबंध हो जाएगा विस्फोटक से। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों को उनकी पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालाक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला ब्लैक गोल्ड, दूसरा फुलेरीन, तीसरा ग्रेफीन, चौथा केवलार। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो चलिए देखते हैं, ब्लैक गोल्ड की खोज जो हुआ था यह मुंबई स्थित टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने 2019 में जो है इसे प्रयोग किया था, और फुलेरीन का प्रयोग जो है यह हुआ था 1985 में, और ग्रेफीन हो जाएगा आपका 2004, और केवलार का प्रयोग 1964। तो कालानुक्रम में व्यवस्थित किया जाएगा तो हो जाएगा आपका 4, उसके बाद हो जाएगा 2, फिर 3, फिर 1, 4, 2, 3, 1, यानी कि ऑप्शन बी से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास जो है यह प्रोटीन नहीं है। कपास एक मुलायम रोएदार स्टेपल रेशा होता है जो कपास के पौधे के बीजों के चारों ओर एक संरक्षण आवरण में विकसित होता है। यह लगभग पूरी तरह सेल्युलोज का बना होता है, और बाकी जो है केस या बाल, लूता रेशम जिसको स्पाइडर सिल्क कहा जाता है, और खुर जो कि मुख्यतः ये सभी प्रोटीन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो यह है अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें बहिःस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक या फिर कोशिकाएं होती हैं। अग्नाशय के दो मुख्य कार्य होते हैं, एक होता है बहिःस्रावी ग्रंथि का जो कार्य होता है मुख्यतः पाचन क्रिया में सहायक, और अंतःस्रावी का जो होता है वह रक्त शर्करा को विनियमित करता है। अगला क्वेश्चन, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण है? तो यह फिनाल एवं फ्लेओनाइट के कारण, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेरी बेरी रोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विटामिन दिया गया, दूसरी तरफ प्रचुर स्रोत, तो आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, विटामिन B12 दिया गया है कार्ड या फिर यकृत तेल, तो यह सुमेलित नहीं है। बाकी सभी सुमेलित है, विटामिन B6 धान की चोकर जो कि राइस ब्रैन, विटामिन ई गेहूँ अंकुर तेल में पाया जाता है, और विटामिन के अल्फा अल्फा जो कि एक प्रकार का घास है में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से कथन, तो चलिए देखते हैं। कथन ये है कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, कारण आर है मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। तो आपको बताना है कि नीचे दिए कूटों से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो
तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से होगा, ए सही है किंतु आर जो है वह गलत है। यानी कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, सही है। और बी है कि मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं, तो यह आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है कि वे जैव उत्प्रेरक हैं, दूसरा है वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। तो कोड के माध्यम से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहां जो सही होगा आपका ऑप्शन सी सही होगा, एक और दो दोनों, वे जैव उत्प्रेरक हैं और वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लौह का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिलचट्टे का रक्त जो है वह सफेद होता है। ऑक्सीजन हेतु जो है वह हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तिलचट्टे का खून का रंग जो होता है वह लाल नहीं बल्कि सफेद होता है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दालें के साथ। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों के साथ सहजीवी संयोजन करते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उसे अमोनिया में बदलते हैं जो कि अमोनियम आयनों के रूप में नाइट्री कारक जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर नाइट्राइट एवं फिर नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर दी जाती है जिसे मृदा के माध्यम से पादप ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये है ऑक्सीटोसिन हार्मोन है सही आपका, बी है स्पार्टेम संश्लेषित मधुरक यह भी सही है, सी है नियोप्रेन विशिष्ट रबड़ यह भी सही है, डी है आपका रियान रूपांतरित स्टार्च, तो यह आपका गलत हो जाएगा। रियान विनिर्मित फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोतों तथा वृक्ष एवं अन्य कृषि उत्पादों से प्राप्त किया जाता है, यह रूपांतरित स्टार्च नहीं, तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। दूसरा है ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। और तीसरा है मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है वह डी से हो जाएगा, केवल 3, यानी कि जो है मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। पहला आपका जो दिया गया कि 50% सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो यहां जो है 1/3 आपका होना चाहिए और ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं, तो इसमें केवल वयस्क लोग ही शामिल होते हैं, तो इसलिए आपका 1/2 और गलत हो जाएगा। तीसरा आपका सही है, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केसी ह्यूयर ने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। ये ऑस्ट्रेलियाई संविधानविद थे केसी वीयर, इसने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य यानी कि क्वेसी फेडरल स्टेट है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है कि केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है और कारण आर है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो आपका दिया गया है कि केंद्रीय कथन है कि केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और आर जो है यहाँ सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है, तो आर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है।
अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस वह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस को वर्ष 2010 में सर्वप्रथम मनाया गया था। तो यदि पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम कब मनाया गया था पंचायती राज दिवस, तो 2010 में। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 43 का ए में। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निषेध तत्वों के तहत अनुच्छेद 43 का ए स्थापित करके यह प्रावधान किया गया कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या फिर किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। तो ऑप्शन डी यहां से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, यह लागू नहीं किया जा सकता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबाड़ी मामले जो कि 1960 में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग नहीं माना था, परंतु केशवानंद भारतीवाद जो कि 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णयों को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना तथा यह निर्णय दिया कि संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। इस प्रकार यद्यपि प्रस्तावना या उसके किसी भाग को विधिक रूप से न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार संबंधी उपबंध करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी कि लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया, तो यह 1976 में किया गया था, ऑप्शन सी से हो जाएगा। 1976 से पूर्व भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग कहा जाता है को लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग और लेखा परीक्षा ऑडिटिंग दोनों ही दायित्वों का निर्वहन करना होता था, और 1976 में CAG अधिनियम 1971 में संशोधन कर केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से पृथक किया गया तथा CAG का कार्य केवल केंद्र सरकार के लेखा जोखा यानी कि ऑडिटिंग तक ही सीमित रह गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, तो कथन ए है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, और कारण आ है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, तो कोड के माध्यम से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो आपका यहाँ कथन जो है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को शब्द को परिभाषित नहीं करता है, तो यह जो है आपका सही हो जाएगा, और आर दिया गया है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, तो यह भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन जो यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से होगा, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर यानी कि कथन ए की सही व्याख्या नहीं है, बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का एक में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, तो यह 30 का एक में जो है कहा गया है, न कि 30 में। तो अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है तथा इसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान की गई है, अतः जो है प्रश्न का जो कथन है
और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की जो है सही व्याख्या नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो नीचे दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक, यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। दूसरा आपका गलत हो जाएगा, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, सही है आपका। दूसरा, जनगणना संघ सूची का विषय है, यह भी सही है। तीसरा है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा यह चौथी अनुसूची में है, और दल बदल विरोध दसवीं अनुसूची में, यह सही है आपका। तो आपसे पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है, तो सी आपका सुमेलित नहीं है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा अनुसूची चार में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 विषय। भारत के संविधान के 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं, जिन्हें पंचायतों के कार्य क्षेत्र में सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि यह 1977 में अस्तित्व में आया, और दूसरा, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा, केवल एक, यानी कि यह 1977 में अस्तित्व में आया। पीएमओ कब अस्तित्व में आया? तो 1977 में। दूसरा आपका गलत हो जाएगा, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है, यह आपका गलत हो जाएगा। इसका प्रधान जो है वह कैबिनेट सचिव नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री खुद जो है होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो यह हो जाएगा आपका त्रिपुरा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन हेतु 6वीं अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं। 6वीं अनुसूची इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना की अनुमति प्रदान करती है। सिक्किम एवं नागालैंड इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये दिया है आपका, बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ, तो ये आपका जो है सही है। और बी है परमादेश, वी कमांड, यह भी सही है। और प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, तो यह आपका गलत हो जाएगा। टू बी सर्टिफाइड जो है यह किसके लिए प्रयोग होता है? तो उत्प्रेक्षा के लिए प्रयुक्त होता है यह। और प्रतिषेध के लिए जो है यह नहीं, तो यह आपका गलत हो जाएगा। और अधिकार परीक्षा बाई व्हाट अथॉरिटी, तो यह आपका सही है। तो आपसे पूछा क्या गया, निम्नांकित कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मैसूर। भारतीय भाषा संस्थान यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर में स्थित है। बस 2019 में इस संस्थान ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी, इसकी स्थापना हुआ था 1969 में। अगला क्वेश्चन है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है?
तो पहला है स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा जीवन स्तर। तो नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर तीनों शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1, 2, 3 सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? तो यह है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पहल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो पहला, यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। दूसरा है, महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना। तीसरा है, 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। तो नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा, तीनों सही है, 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है लगान का विनियमन, दूसरा है अवधि की सुरक्षा, तीसरा पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2, 3 यानी कि लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा और पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना। दूसरा है, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण। तीसरा है, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्र की विकास सुनिश्चित करना। चौथा है, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका, सभी जो है सही है कि ऑप्शन सी जो सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 यानी कि सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं हैं? तो यह है आपका महिला विकास, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। अगला क्वेश्चन है, लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये पहला जो है आपका नायक समिति, दूसरा आबिद हुसैन समिति, तीसरा एस कोहली समिति और चौथा है कार्वे समिति। तो चलिए देखते हैं, जो है नायक समिति का गठन जो हुआ था, यह 1991 हुआ था, 1991 में हुआ था। आबिद हुसैन समिति का गठन हुआ था 1995 में, 1995। और एस कोहली समिति का गठन जो हुआ था यह सन 2000 में हुआ था। और कार्वे समिति का गठन हुआ था 1955 में। तो कालानुक्रम में व्यवस्थित करेंगे, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका 1995 में कार्वे समिति यानी कि चौथा हो जाएगा पहले। फिर जो है आपका 1991 हो जाएगा आपका नायक समिति, तो 4-1, उसके बाद 3, 4-1-2, फिर 3, 4-1-2, 4-1-2-3। तो ऑप्शन में यहाँ कोई नहीं है। तो आयोग ने जो है इसे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी को सही किया है कि 4-2-1-3 यानी कि कार्य समिति 1955। फिर जो है दूसरा सही किया है आबिद हुसैन समिति 1995 में जो गठन हुआ था, जबकि नायक समिति का गठन जो है 1991 में ही हुआ था। तो आपका ये सही हो जाएगा यदि ऑप्शन रहता कि 4-4-1-2 और 3, वो सही हो जाता आपका। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं, ये है आपका अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो यह कब प्रारंभ हुआ था? तो 1976 में प्रारंभ हुआ था। समन्वित बाल विकास योजना 1975 में प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम यह 1983 1983 में प्रारंभ हुआ। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यह 2005 में शुरू किया गया था। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। तो कथन ये है कि हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की
भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है। कारण आ रहा है पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण से इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही है। आर कथन ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्भरता अनुपात डिपेंडेंसी रेशियो घट रहा है क्योंकि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। तो यह कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है, कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया। दूसरा, इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSR गतिविधियों में व्यय करना होगा। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, न तो एक और ना ही दो। अगला प्रश्न, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI यह मॉरिस डी मॉरिस द्वारा विकसित किया गया था। इन्होंने जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता तीनों को मिलाकर जीवन भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का निर्माण किया। PQLI का अधिकतम मूल्य 100 तथा न्यूनतम मूल्य 1 होगा और 100 की ओर बढ़ना उत्तम स्थिति माना जाता है जबकि 1 की ओर जाना खराब की स्थिति माना जाता है। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं। तो कथन ये है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। कारण आ रहा है कि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ सही जाएगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही है परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अनुसार उत्तर प्रदेश में चीनी तथा गन्ने का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है। महाराष्ट्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है जहाँ लंबी धूप, साफ मौसम तथा ठंडी रातों के कारण गन्ने की फसल की उत्पादकता अधिक होती है, जबकि उत्तर प्रदेश जो कि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है जहाँ बाढ़, जल जमाव, फसल में कीट व रोगों की अधिकता के कारण गन्ने की फसल की उत्पादकता कम होती है। अतः यहाँ आपका कथन ए सही है। और महाराष्ट्र में जो है चीनी का अधिक उत्पादन का अधिकांश हिस्सा जो है सहकारी क्षेत्र के चीनी मिलों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ एशिया की प्रथम सहकारी चीनी मिल की शुरुआत जो हुई थी यह 1950 में हुई थी। अतः कारण आर जो है सही है लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। तो बी ऑप्शन इसलिए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है कि मानव विकास सूचकांक HDI एवं सतत विकास लक्ष्यों SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। कारण आर है कि SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है। तो नीचे दिए हुए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर कथन ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु दर की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 दिन। भारत में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत बच्चे के जन्म के 21 दिन के अंदर उसका संबंधित राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 सम्मिलित नहीं करता है किसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HIV परीक्षण को। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में अपना उच्चायोग स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये सभी जो है समसामयिकी से पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सियेरा लियोन में।
अगला प्रश्न, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षस्थ है, यानी कि सबसे ऊपर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। भारत में नवाचार सूचकांक में सबसे ऊपर जो है, यानी कि पहला राज्य है, वह कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है, बुकर प्राइज विजेता 2019 पुस्तक गर्ल वीमेन अदर के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ना डाइन एवरिस्टो। गर्ल वीमेन एंड अदर पुस्तक की लेखिका हैं, जिनको 2019 में बुकर प्राइज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में किसको हराया था? तो इन्होंने नोजोमी ओकुहारा को हराया था। अगला प्रश्न, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था? तो इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, मांगदेछू विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? तो यह है सिक्किम, भारत का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैरा एथलीट दीपा मलिक, जिन्हें वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, किस खेल से संबंधित हैं? तो यह गोला फेंक से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो यह न्यूयॉर्क में किया गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का वैश्विक भूख सूचकांक GHI 2017 में क्या स्थान है? तो 2017 में भारत का वैश्विक भूख सूचकांक में 100वां स्थान था, और अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मोतिहारी तथा अमलेखगंज को। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा इसके किस शहर में संपन्न हुए 43वें सत्र में जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो यह बाकू अजरबैजान, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि IMF के नव नियुक्त प्रबंध निदेशक कौन है? तो यह है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ऑप्शन ए से हो जाएगा, यह बुल्गारिया की हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 10, 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों की कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्रुव। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो चलिए देख लेते हैं, थॉमस कुक का संबंध जो है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सॉरी थॉमस कुक का संबंध हो जाएगा ब्रिटिश टूर एवं ट्रेवल कंपनी से। ग्रेटा थर्नबर्ग या एक पर्यावरण कार्यकर्त्री हैं, स्वीडन की हैं, 16 वर्षीय हैं। और डॉक्टर उषा किरण यह भारत भारती सम्मान की विजेता रही हैं, और कैरी लेम यह हांगकांग की नेता हैं। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, थॉमस कुक का संबंध हो जाएगा ब्रिटिश एवं टूर ट्रैवल कंपनी, ग्रेटा थर्नबर्ग पर्यावरण कार्यकर्त्री हैं, स्वीडन की हैं, और डॉक्टर उषा किरण का संबंध हो जाएगा भारत भारती सम्मान की विजेता हैं, कैरी लेम हांगकांग की नेता हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया है, इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो 2019 में यह पुरस्कार जो है एस्थर डफलो को दिया गया, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह दूसरी महिला है, और आपसे पूछा गया कि प्रथम महिला कौन थी, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, एलिनार ओस्ट्राम। अगला प्रश्न है, सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्न में से किस अवधि में अवधि से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2019 से 29 तक। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? तो चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण GSLV Mark 3 यमोन द्वारा किया गया था, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
पहला है कि इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ था, सही है आपका। यह उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना हुआ, तो यह भी सही है। तो आपको बताना है कोड के माध्यम से कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोनों सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, यहाँ RTI अधिनियम से संबंधित है यह। अगला क्वेश्चन है, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक बेड़ू शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांस कला से। अगला प्रश्न है, बिब्लियोमेट्री है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूचना प्रबंधन उपकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वापसी की शक्ति। अगला क्वेश्चन है, गहरी कार्बन वेधशाला DCO के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। दूसरा है, यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका, दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ये है आपका कि हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। कारण आ रहा है कि हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से, कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था। दूसरा है, हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो कूट के माध्यम से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ये है कि हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। तो जो है सही है, कारण आर है कि हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। तो यह भी सही है। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। तो आपका जो है यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कथन ए और कारण आर दोनों सही है। कारण आर जो है वह कथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था। दूसरा है, हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो कोट के माध्यम से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी कि हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया गया जाता था, यह सही है। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, दोनों सही है। और लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। दूसरा है, राष्ट्रीय पंचांग को January 26, 1950 से अपनाया गया है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा, ना तो एक और ना ही दो, दोनों सही नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित न होकर शक संवत पर आधारित है। और राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, तो यह आपका गलत है। यह 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा।